देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कृपया वे मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्राओ ते पैणो, आज भी मां वैष्णो देवी, मां बावेआली दे बुलावे ऊपर इत्ते आने दा मौका लगे आए। विजयपुर दी इस रैली विच असे विजय दा संकल्प लेना है। जम्मू कश्मीर वीरें दी धरती है। अस डोगरे आं आखने आसान कन्ने असे जीतिया ने जंगा दमसान कन्ने 2019 दी जंग भी देश की अगले जाने दी जंग है। आओ रली मिलिए देश की तरक्की दी राह ऊपर ले चलचे। मन पर विराजमान श्रीमान रविंद्र रैना जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अविनाश राय, शमशेर सिंह, निर्मल सिंह, जुगल किशोर जी, चंद्रमोहन जी, कविंद्र जी, पूर्णिमा जी, सत शर्मा जी, चंद्रप्रकाश जी, अब्दुल गनी जी, कीके मन्याल जी, राजीव जी, श्याम चौधरी जी, सुखनंदन जी, बाली भगत जी, प्रिया सेठी जी, अजय नंदा जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं देख रहा हूं कि पंडाल से भी बाहर सर इतने ही लोग बाहर हैं। वे धूप का भी मजा ले रहे हैं। मां वैष्णो की छत्रछाया में जम्मू में एक बार फिर आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं जब भी आता हूं यहां की ऊर्जा मुझे और ज्यादा शक्ति से अपना काम करने को प्रेरित करती है। आपका यही स्नेह मुझे इस बात का एहसास दिलाता रहता है कि मुझे लगातार काम करना है। आपकी आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। जब मैं यहां बैठा था कई पुराने चेहरे हाथ ऊपर कर कर करके मेरा ध्यान आकर्षित कर रहे थे। उन सभी पुराने चेहरे जिनके साथ सालों तक मुझे काम करने का मौका मिला है, आज एक बार फिर उन सबके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। साथियों, आज यहां मुझे जम्मू के विकास को नई गति देने वाले 6000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट के शिलान्यास का और लोकार्पण का अवसर मिला। जम्मू में बनने वाला एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का नया कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर के अन्य प्रोजेक्ट्स यहां के लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने में मदद करेंगे। भाइयों और बहनों, ये जो 750 बेड का अत्याधुनिक एम्स यहां बनने जा रहा है, इससे जम्मू वासियों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं तो मिलेगी ही, शहर के दूसरे मेधावी छात्रों के लिए अनेक नए अवसर भी बनेंगे। एम्स के साथ साथ
अनंतनाग, बारामूला, डोडा, कठुआ और रजौरी में 5 मेडिकल कॉलेजों को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इन कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने 750 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जारी कर दिया है। इन कॉलेजों में जल्द ही पढ़ाई भी शुरू होगी। इसका मतलब होगा कि राज्य में एमबीबीएस की 500 सीटें और बढ़ेगी। आप चाहते हैं ना मेडिकल कॉलेज में यहां के बच्चों को अवसर मिले, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सुनाई नहीं देता है? सुनाई देता है? पक्का? जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल में 500 ही एमबीबीएस की सीटें थी, जो भाजपा सरकार के प्रयास के बाद अब 2 गुनी से भी अधिक होने वाली है। एम्स मेडिकल कॉलेज के अलावा कठुआ का इंजीनियरिंग कॉलेज और जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का नया कैंपस यहां के युवा साथियों को प्रोफेशनल एजुकेशन के नए अवसर देने वाले हैं। मुझे बताया गया है कि यहां पर आईआईटी की बिल्डिंग का काम भी पूरा हो गया है और आईआईएम के बिल्डिंग के लिए काम शुरू होने जा रहा है। साथियों, केंद्र सरकार युवाओं को समान अवसर देने के लिए समर्पित है। हाल में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए शिक्षा और सरकारी सेवाओं में सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं को 10% आरक्षण देने का काम किया गया है। इससे जम्मू के भी अनेक मेधावी गरीब युवा नौजवानों को लाभ होने वाला है। इसके अलावा सरकार देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में करीब करीब 25% सीटों में भी वृद्धि करने जा रही है। भाइयों और बहनों, जम्मू में यातायात और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। दूर दराज के इलाकों को जोड़ने, यहां की सड़क नेटवर्क को सुधारने के लिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज में 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस काम के लिए किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस पैकेज से बन रहे सड़क, पुल, सुरंग, नेशनल हाईवे का काम अब तेजी से शुरू हो गया है। चेनाब नदी पर बनने वाले सजवाल पुल से सजवाल और इंद्रीपट्टन की दूरी करीब 50 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 5 किलोमीटर रह जाएगी। 2100 करोड़ की लागत से बन रही चेनानी, सुध महादेव, गोहा सड़क के लिए भी सारी बाधाओं को अब दूर कर लिया गया है। अब इस पर तेजी से काम किया जाएगा। इसी तरह जम्मू अखनूर पूंछ हाईवे पर 5100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे जम्मू अखनूर सेक्शन पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, जम्मू में कनेक्टिविटी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत किया जा रहा है। किश्तवाड़ में चेनाब पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनेगा, उससे जम्मू कश्मीर की बिजली की जरूरतों तो पूरी होगी ही, यहां के हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के साथ ही
सरकार ने रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए भी व्यवस्था कर ली है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही राज्य को 850 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट पिछले 40 साल से लटका हुआ था, शाहपुर कंदी बांध परियोजना पर भी अब जम्मू कश्मीर ने पंजाब के साथ समझौता कर लिया है। इससे राज्य को बिजली तो मिलेगी, साथ ही साबा और कठुआ जिलों की 32,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के दायरे में भी लाया जा सकेगा। भाई और बहनों, पहले की सरकारों का देश की आवश्यकताओं और भावनाओं को नजरअंदाज करने का रवैया आप भलीभांति जानते थे। अब करतारपुर कॉरिडोर की बात ही ले लीजिए, अगर ध्यान गया होता तो आज हमारे गुरु नानक देव जी की भूमि हमारे देश में होती, हिंदुस्तान का हिस्सा होती। इसी तरह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ऐसे अनेक मां भारती की संतानें हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ है। हमारे इन भाइयों बहनों की पीड़ा पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम एक संकल्प के साथ नागरिकता कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाए हैं। ये देश के उस संकल्प का हिस्सा है जिसके मुताबिक हम उन सभी लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो कभी भारत का हिस्सा थे लेकिन 1947 में बनी परिस्थितियों के चलते हमसे अलग हो गए। अब अगर उनका आस्था के आधार पर शोषण होता है तो उनके साथ देश को खड़ा होना जरूरी है। इन सभी लोगों के हकों की रक्षा के लिए भारत हमेशा खड़ा रहेगा, न्याय और जीवन के उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। साथियों, आज इस अवसर पर मैं एक और बृहद, बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही भावनात्मक विषय पर भी बात करना चाहता हूं। ये विषय है मेरे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी विस्थापित भाई और बहनों का केंद्र की सरकार उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है। हिंसा और आतंकवाद के जिस दौर में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, जो यातनाएं सहनी पड़ी, वो हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। मैं हर अवसर पर कहता नहीं हूं लेकिन वो पीड़ा मेरे मन में हमेशा रही है। और इसलिए जब 3-3.5 साल पहले जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज का ऐलान किया गया था तो अपने कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों के लिए एक पहल की गई थी। अब मुझे संतोष है कि श्रीनगर में थोड़ी देर बाद जब मैं पहुंचूंगा, बांदीपुरा और गोदेरबंद में ट्रांजिट एकोमोडेशन का विस्तार करने वाली योजना का शिलान्यास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी विस्थापितों को जिन 3,000 पदों पर नियुक्त करने का वादा किया गया था उस पर भी काम शुरू किया जा चुका है। भाइयों और बहनों, जब हम सरकार में, गठबंधन में, तो बहुत सी चीजें हो नहीं पाई थी। हम लोग बहुत प्राथमिकता दे रहे थे राज्य में पंचायत चुनाव को, लेकिन तब वो संभव नहीं हो पाया। अब बीते दिनों यहां हुए पंचायत चुनाव में जिस तरह लोगों ने हिस्सा लिया,
हिंसा की कोई घटना नहीं हुई, 70% से ज्यादा मतदान हुआ, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। जम्मू कश्मीर के नागरिक इसके लिए बधाई के पात्र है, यहां का एडमिनिस्ट्रेशन बधाई के पात्र है। अब राज्य में आतंकवाद से भी सख्ती से निपटा जा रहा है, पहले की अनेक परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए, जम्मू कश्मीर के संतुलित विकास के लिए कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। भाइयों और बहनों, केंद्र की सरकार के लिए देश हित और देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। दो दिन पहले जो बजट पेश किया गया है, उसने सबका साथ सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है। ये बजट गरीब, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर किसी के विकास को गति देने वाला है। देश के 70 साल के इतिहास में पहली बार भाजपा सरकार किसानों के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक योजना लेकर आई है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। साथियों, देश के 12 करोड़ से अधिक छोटे किसान परिवारों जिनके पास 5 एकड़ तक की जमीन है, उनको अब हर वर्ष 6000 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। मोदी ने जो बैंकों में खाते खुलवाने का अभियान चलाया था, तो उस समय अपने आप को बड़ा दिग्गज और बुद्धिमान मानने वाले लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई थी। मजाक उड़ाते वो थकते नहीं थे। अब पता चला कि जनधन अकाउंट का फायदा कैसे पहुंचने वाला है। 2000 रुपये की 3 किस्तों में ये रुपये किसानों के खाते में जमा होंगे, जिसमें से पहली किस्त आने वाले कुछ समय में ही किसानों के खातों में आने वाली है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसको शॉर्ट में कहते पीएम किसान, इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपये, सुनिए, 75,000 करोड़ रुपये, 75,000 करोड़ रुपीज किसानों के खाते में सीधे पहुंचने वाले हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं। इससे करोड़ों छोटे किसान जिनको कभी सरकारी मदद नहीं मिली, उनको मदद पहुंचने वाली है। साथियों, अब आप ही बताइए, अगर आप एक मरीज है तो आप क्या पसंद करेंगे कि आप हर 6 महीने में बीमार पड़े और फिर जब डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर कुछ पुड़िया पकड़ा दें, इंजेक्शन लगा दें, रुपये मार ले, यही क्रम जिंदगी भर चलता रहे, हर 6 महीने डॉक्टर के पास जाना, या फिर आप एक बार बीमार पड़ने के बाद और डॉक्टर के पास जाएं तो
डॉक्टर आपको उस बीमारी को जड़ से मिटाने का इलाज करें। किसके पास जाएंगे भाई? बार बार बीमार होना पड़े ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे कि जो बीमारी को जड़ से उखाड़ दे उसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? निश्चित तौर पर आप जो जड़ से उखाड़ने वाला डॉक्टर है उसके पास ही जाएंगे। लेकिन आज तक हमारे यहां किसानों के लिए पहले वाला इलाज अपनाया जा रहा था, बीमार करो पुड़िया दो, बीमार करो पुड़िया दो। कर्ज माफी से किसान का कर्ज कभी खत्म नहीं हुआ और नहीं होता, और बिचौलियों की जेब मोटी होती जाती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, कांग्रेस ने 10 वर्ष पहले 2008-09 में चुनाव जीतने के लिए किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान किया था। देश के किसानों पर उस समय देश के किसानों पर उस समय 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आज से 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं, जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चल रही थी, 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। 6 लाख करोड़ में से कर्ज माफी के नाम पर चुनाव लड़ा, किसानों के वोट बटोर लिए, किसानों की आंख में धूल चौंक दी, सत्ता पे बैठ गए। आने के बाद किया क्या? आप चौंक जाएंगे भैया, 6 लाख करोड़ का कर्ज था, माफ किया सिर्फ 52,000 करोड़ रुपए। बातें की 6 लाख करोड़ कर्ज माफ करने की, धोखा किया किसानों के साथ, और किए सिर्फ 52,000 करोड़। और जब सीएजी ने जांच की तो उसमें भी 30-35 लाख लोग ऐसे मिले जो कर्ज माफी के हकदार ही नहीं थे। अब आप मुझे बताइए, ये 30-35 लाख वो कौन लोग थे? वो कौन सा पंजा था जो खजाना खाली कर गया? वो रुपये कहां गए? ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि देश के नामदारों का दागदार ट्रैक रिकॉर्ड जनता भलीभांति जानती है। देश ये भी जानता है कि जिनकी तब कर्ज माफी हुई वो भी फिर से कर्जदार बन गए, कर्ज में डूब गए। अब जब 10 वर्ष पूरे हो गए तो फिर कर्ज माफी का शोर कांग्रेस ने मचाना शुरू कर दिया। चुनाव आते हैं और उनको कर्ज माफी का बुखार आता है, क्योंकि ये ऐसी जड़ी बूटी उनके पास थी कि भले भोले किसानों की आंख में धूल झोंक करके चुनाव निकाल दो, बाद में उनको छोड़ दो। लेकिन फिर एक बार कांग्रेस की वही सच्चाई सामने आ रही है। अब आप देखिए पिछले दिनों क्या हुआ। अभी अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां क्या किया? किसानों के कर्ज माफी पर वो चुनाव में आए। मध्य प्रदेश में ऐसे किसानों का कर्ज माफ हो रहा है जिन पर कभी कर्ज ही नहीं था, और जिन पर कर्ज है
उनको कितने रुपए का चेक मिला है, आप हैरान हो जाओगे। 13 रुपए का कर्ज माफ हुआ, 13 रुपए। राजस्थान में सरकार ने आते ही हाथ खड़े कर दिए। साथियों, इनकी नीति और नियत किसानों को कर्ज से मुक्त करने की कभी रही नहीं। किसानों के नाम पर बिचौलियों के पेट भरना, जेब भरना, यही सिलसिला चला है। एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि ईमानदारी से किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, तब भी क्या स्थिति बनेगी? ये ईमानदारी से काम करने वाले नहीं है, फिर भी चलो माता वैष्णो देवी के चरणों में बैठे हैं तो हम एक बार सोच लें कि चलो भाई ईमानदारी से करेंगे। इसका लाभ किसको मिलेगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर कर्नाटक में जो उन्होंने कर्ज माफी का वादा किया है, अगर उसका 100% लागू करेंगे और सचमुच में ईमानदारी से करेंगे तो भी उसका लाभ 100 किसानों में से 30-40 किसानों से अधिक किसानों को नहीं मिलेगा। 100 में से 30-40 और उसमें बेईमान कितने घुस जाएंगे वो अलग। उसी तरह राजस्थान में भी अगर ये अपना कर्ज माफी का वादा ईमानदारी से पूरा करते हैं तो भी राजस्थान में 100 में से 20-30 को ही लाभ मिलेगा, ज्यादा को फायदा नहीं मिलेगा। अगर पंजाब में उनकी सरकार है, वहां भी अगर ये ईमानदारी से उन्होंने जो कहा है वो लागू करेंगे तो भी 100 में से 20-30 को ही फायदा मिलेगा, ज्यादा लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। 2008 की इनकी कर्ज माफी का लाभ भी तो औसतन 20-30 लोगों को ही मिला है, यानी कांग्रेस की कर्ज माफी से हमेशा 70-80% लोग उसके बाहर रह गए। किसान, उन किसानों का क्या गुना, उन गरीब किसानों का क्या गुना जो बैंक के दरवाजे तक नहीं जा पाया, उस किसान का क्या गुना? सिर्फ उनके अगल बगल में जो लोग बड़े बड़े हैं उन्हीं के लिए योजनाएं बनती थी। हम जो योजना लेकर के आए हैं उसका लाभ देश भर के 12 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा। मतलब कि 100 में से 90-95 किसान हर गांव में, 100 में से 90-95 किसान इसके हकदार बनेंगे। आपने कल्पना की है? साथियों, यह इनकी निराशा का दूसरा और सबसे बड़ा कारण है। आपने देखा होगा जब हमारे वित्त मंत्री बजट पढ़ रहे थे तो विपक्ष का चेहरा कैसा था, सब कुछ लटक गया था, होश गंवा बैठे थे, क्योंकि पाई पाई का उपयोग, जनहित में उपयोग, सामान्य मानवीय के कल्याण में उपयोग, ये उन्होंने कभी न सोचा है, न सीखा है, न किया है। एक तो कर्ज माफी से मिलने वाला कट चला गया, बिचौलियों की दुकानें बंद हो गई, और दूसरा उनके चुनावी गुब्बारे की हवा भी निकल गई। कर्ज माफी से सल्तनत वापसी की कांग्रेस की इस 10 वर्षीय योजना से अब किसान सचेत हो चुका है। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परसों बजट में घोषित की गई पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ केवल एक बार नहीं, एक बार की योजना नहीं है,
ये हर वर्ष मिलेगा। और ये तो हर वर्ष, और इनका क्या था, 10 वर्ष बाद, आप देखिए हिसाब जरा, 10 साल में एक बार 50-60 हजार करोड़ रुपए कर्ज माफी करके 10 साल तक अपने आप को किसानों का मसीहा बताते रहते थे। भाजपा सरकार ने जो योजना बनाई है, अगर उसको आने वाले 10 साल के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले 10 साल में ये पीएम किसान योजना के तहत जो हर वर्ष किसान के खाते में 6000 रुपया जाने वाला है, उसका अगर मैं 10 साल का हिसाब लगाऊं, 7.5 लाख करोड़ रुपया, 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा होंगे। साथियों, पीएम किसान समृद्धि योजना बीते 4.5 वर्ष से किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए किया जा रहे प्रयासों का एक बड़ा पड़ाव है। बीज से बाजार तक अनेक प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। खेती पर होने वाला खर्च कम करने की कोशिश के साथ साथ किसान को पैदावार की उचित कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक प्रयास किए गए। ये हमारी सरकार ही है जिसने एमएसपी पर किसानों की बरसों पुरानी मांग को पूरा किया गया। रबी और खरीफ की 22 फसलों का समर्थन मूल्य 1.5 गुना से अधिक तय किया गया है। अब राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ये समर्थन मूल्य किसानों तक पहुंचे। साथियों, इस बजट में जय किसान के साथ साथ जय जवान के लिए भी बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू तो डोगरा परंपरा शौर्य की भूमि है। मैं जम्मू कश्मीर के हजारों फौजी परिवारों को बधाई देता हूं, क्योंकि देश का डिफेंस बजट 3 लाख करोड़ रुपए के पार कर गया है। इससे हमारी रक्षा तैयारियां तो मजबूत होगी, हमारे जवानों को भी लाभ मिलेगा। भाइयों और बहनों, देश इस बात का भी साक्षी रहा है कि कैसे 4 दशकों से वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा लटका हुआ था। नियत में क्या अंतर होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के लिए 2014 में ऐसा ही आंकड़ा मार दिया था बजट में 500 करोड़ का, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार इसके लिए अब तक 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित कर चुकी है। ये कितना झूठ बोलते थे, 500 करोड़ में घोषणाएं करते थे, जरूरत थी 35,000 करोड़ की, लेकिन सेना के जवान को आंख में भी धूल झोंकने में उनको कोई शर्म नहीं आई। इसमें भी लगभग 11,000 करोड़ रुपए का तो एरियर ही है जो देश भर के सैनिक परिवारों को खाते में पहुंच चुका है। साथियों, आज जम्मू और कश्मीर पुलिस हो, हमारा सेंट्रल फोर्सेस के जवान हो, सेना के जवान हो, मुश्किल परिस्थितियों में भी देश और शांति के दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। मैं शहीद नजीर अहमद वाणी, शहीद औरंगजेब, इम्तियाज अहमद मीर जैसे अनेक बहादुर साथियों को आदरपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं हर शहीद के परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि देश की सरकार
आपके साथ हर कदम पर खड़ी रहेगी। मैं सीमा पार गोलीबारी का सामना कर रहे परिवारों को भी आश्वस्त करता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो दुश्मन को करारा जवाब दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर 14,000 बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि आप सभी सुरक्षित रह सके। भाइयों और बहनों, देश की सुरक्षा और देशवासियों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से समर्पित है। आप सभी के सहयोग से नया भारत सक्षम भी होगा और सुरक्षित भी होगा। एक बार फिर से विकास की सभी योजनाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।